क्लास 10th कंप्यूटर के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट इंटरनेट बेसिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज चैट एंड व्हाट डज इंटरनेट रिले चैट मीन। हाय, आई एम अनिकेत एंड यू आर वॉचिंग AVS डेस्क, थिंक बिग लर्न एडवांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैट इज ए टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन दैट इज लाइव और इन रियल टाइम। चैट एक कम्युनिकेशन होता है जो कि टेक्स्ट बेस्ड होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये लाइव या तो लाइव रियल टाइम में होता है कि आप जैसे टेक्स्ट बेस्ड मैसेज सेंड करते हो वो लाइव आपको उस पार्टिसिपेंट को पहुंचता है। तो अब डिस्कस करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से। तो आप चैट को दूसरे टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो जो आपका चैट होता है, तो अगर आप चैट में कोई टाइप टेक्स्ट किसी भी पार्टिसिपेंट को भेज रहे हो तो वो पार्टिसिपेंट उस टेक्स्ट को इमीडिएटली रिसीव करता है। और अगर हम बात करें दूसरे टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन में, जैसे ईमेल को अगर हम लें, तो उसमें जो आप टेक्स्ट सेंड करते हो तो उसमें पार्टिसिपेंट को रियल टाइम ये लाइव नहीं होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट रिले चैट क्या होता है। व्हाट डज इंटरनेट रिले चैट मीन। इंटरनेट रिले चैट एक टाइप का ओपन प्रोटोकॉल होता है जो कि यूज़र को ये अलाउ करता है कि वो IRC इंटरनेट रिले क्लाइंट के थ्रू टेक्स्ट मैसेज को रियल टाइम में किसी भी दूसरे क्लाइंट को या फिर दूसरे यूज़र को सेंड कर सकें। क्या होता है इंटरनेट रिले चैट, ये एक प्रकार का ओपन प्रोटोकॉल होता है जो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि जिसके थ्रू आप IRC क्लाइंट का यूज़ करते हुए टेक्स्ट मैसेज का एक्सचेंज कर सको इंटरनेट पे, वो भी रियल टाइम में। अब हम बात करते हैं इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में कि इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था। तो इसको सबसे पहले 1988 में डेवलप किया गया था और किसके द्वारा, जार ओकरेनन के द्वारा। और ये पहला IRC था जो एक प्रकार जो फर्स्ट चैट सिस्टम था जिसने ये अलाउ किया था कि जिसमें आप एक किसी भी डिस्कशन में दो से ज़्यादा लोगों को या दो से ज़्यादा पार्टिसिपेंट को आप एक पर्टिकुलर डिस्कशन में ज्वाइन कर सको। इससे पहले यह होता था कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट कर रहे हो तो उस पर केवल दो लोग शामिल होते थे, एक जो सेंडर होता था और जो दूसरा रिसीवर होता था। लेकिन इंटरनेट रिले चैट ने क्या किया, इसने एक ही डिस्कशन में, आप समझ सकते हो अभी के तौर पे ग्रुप, जैसे आप एक ही कोई भी ग्रुप में एक ही टॉपिक पे एक से ज़्यादा लोग शामिल होके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हो। तो ये रहा इंटरनेट रिले चैट के बारे में और चैट के बारे में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आप इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।